हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता का आज सेकेंड पार्ट है वीडियो का, अर्थात लास्ट पार्ट है। तो हम जो पूर्ववर्ती वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं और कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं। तो उत्तम अधिकारी भक्त को देखकर ही लोग भक्त बन जाते हैं, उनका हृदय अत्यंत शुद्ध होता है और वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रचार प्रसार के बारे में सोचते रहते हैं। किसी की निंदा में उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है और वो हमेशा भक्ति में दृढ़ व्रता होकर लगे रहते हैं। मध्यम अधिकारी लोग जो है वो भगवत भक्त से मित्रता करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च प्रेम के पात्र मानते हैं। जो ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहते हैं और जो उनका जो ज्ञानी है, जैसे जो व्यक्ति का ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात इनोसेंट पब्लिक को भगवान के बारे में बताते हैं। लेकिन वो शास्त्रों में इतना निपुण नहीं होते हैं, जैसे उत्तम अधिकारी बहुत शास्त्रों में निपुण होते हैं। और कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनका विश्वास डगमगाता है, जबकि मध्यम अधिकारी का विश्वास दूसरे व्यक्ति के तर्क से भी नहीं डगमगाता है। कनिष्ठ अधिकारी भगवान के विग्रह पर तो बहुत भरोसा रखते हैं, लेकिन भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जनरल पब्लिक के साथ कैसे करना है वो नहीं जानते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार से जो है निम्न कैटेगरी का माना गया है। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि सुख भी 3 प्रकार का होता है, भौतिक होता है, आध्यात्मिक और भक्तिमय। इस तरह से ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। भौतिक ज्ञान होता है, तो एक भौतिक ज्ञान को एक्चुअली शास्त्रों में अज्ञान माना गया है। एक होता है ज्ञान जो आपको आध्यात्मिक में आता है, जो ब्रह्म ज्योति में जाने का या परमात्मावादी का जो ज्ञान होता है वो होता है। और एक होता है भक्तिमय ज्ञान, अर्थात भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, भक्ति विज्ञान को समझना, ये भक्तिमय ज्ञान है। तो ऐसे सुख भी ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक उनको भी कहा गया है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो भी अध्यात्मवादी है, या परमात्मावादी भी अध्यात्मवादी है। लेकिन सर्वोत्तम अध्यात्मवादी है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख जो है वो संभव नहीं होता है। तो अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं तो भक्ति का सुख का अनुभव जो है वो हम नहीं कर पाते हैं अगर हमारा मन भौतिकता से ग्रस्त है, अर्थात भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित है। भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण मतलब कृष्ण में कम आकर्षण, और कृष्ण में ज़्यादा आकर्षण का अर्थ है भौतिक जो वस्तु है उसके प्रति कम आकर्षण। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म के साथ तदाकार होने की किसी की इच्छा हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती है, ऐसे बताया गया है। कि चूंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, पर यह भौतिक धारणा ही है। क्योंकि देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को शिला समझते हैं ना, उनको नरक की प्राप्ति होती है और उनको यमराज का डंडा खाना पड़ता है। तो ब्रह्मवादी में भी, जैसे जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, उनमें भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो ब्रह्मवादी है और एक है मायावादी। जो ब्रह्मवादी है वो ब्रह्म ज्योति में जो प्रयास करे तो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य हो सकते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मायावादी है, जो भगवान कृष्ण को राम को जो है माया के अधीन समझते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उनको यमलोक का ही दर्शन होता है। इसलिए इसको बोला गया कि भौतिक धारणाएं हैं अगर कोई जो है मायावाद का फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है कि मैं लीडर बनूं,
सब लोग मेरा सम्मान करें, सब लोग मेरी बात माने, मेरी बातों से सहमत हो, तो ये कोशिश करते रहते हैं। और भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। तो हर एक व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी मतलब दूसरों को हीन नज़र से देखते हैं। तो ये होड़ में, ये कंपटीशन में ही भौतिक जगत में लोग लगे रहते हैं। और बड़ा बनने की इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वो स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। ये भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। तो कई लोग हैं जो ये जो हमारी इच्छा है बड़ा बनने का, तो ये बड़ा बनने का इच्छा इतना बड़ा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं ईश्वर बन जाऊँ या मैं ईश्वर से विलीन हो जाऊँ। तो ये धारणा तक भी कुछ लोग पहुँचते हैं, पर इसको भी भौतिक धारणा कहा गया है, क्योंकि कोई भी आत्मा कितना भी प्रयास करे वो परमात्मा नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई अगर उनको फुसलाए भी कि आप भगवान बन सकते हो, भगवान नहीं बन सकता है। वो ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो सकते हैं, फिर वो भगवान नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ये भौतिक धारणा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि भौतिकता में ये प्रतियोगिता है, होड़ है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। तो हमारा स्वाभाविक स्थिति है जिबेर, जो भी स्वरूप है, जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमारा जो सांविधानिक पोजीशन है वो कृष्ण का नित्यदास के रूप में है। तो हम जीवात्माएं हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा जो कार्य है वो भगवान की सेवा करना है। तो हमें भगवान की सेवा करने में इसलिए खुद को व्यस्त रखना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति इन स्वाभाविक स्थिति का, जिसको परिपूर्ण ज्ञान है, वो एक्चुअल ज्ञानी है। और इस ये जिसको ज्ञान हो जाता है, तब वो मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। इसलिए ज्ञान में भी भौतिक ज्ञान को तो एक ज्ञान माना गया है, ब्रह्म से कैसे तदाकार होना है या परमात्मा वादी भी जो ज्ञान है उसको भी परिपूर्ण ज्ञान नहीं माना गया है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन भक्ति के ज्ञान को परिपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे हम भगवान कृष्ण को जान पाते हैं और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। क्योंकि जैसे मछली है, मछली पानी में जब घुस जाती है तो पानी में वो तैरती रहती है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो जाती है, पानी नहीं बन जाती है वो। या एक पक्षी है, ये बहुत बड़े वृक्ष में उड़ के बैठता है, तो हमें लग सकता है कि अच्छा ये हरा था, पक्षी भी तोता भी हरा था, तो वो समा गई वृक्ष के अंदर। लेकिन एक्चुअली वो वृक्ष के अंदर अलग आइडेंटिटी बना के रखते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं बन जाते, पत्ता नहीं बन जाते, राइट, तोता। तो इसी प्रकार से हम जब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो निष्क्रिय अवस्था में आत्मा रहते हैं, और जैसे ही उनका सक्रिय होने की इच्छा उदित होता है तो उनको फिर पृथ्वी लोक में जन्म मिलता है। तो इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वो सीमित है और भगवान जो है अनंत है। जीव जो है गलती करते हैं, गलती करने की प्रवृत्ति होती है, भगवान में ऐसी, भगवान परफेक्ट है, वो कोई भी गलती नहीं करते हैं। जीवात्माओं में भ्रमित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, भगवान कभी भ्रमित या कंफ्यूज ये सब नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर कोई चाहे कि भगवान से तदाकार हो जाए तो तदाकार होना संभव नहीं। पानी में मछली रहते, ऐसे ब्रह्म ज्योति में आत्माएं रहती है, तदाकार एक्चुअल में नहीं हो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वो भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता,
उनको अगर महत्वपूर्ण बनने की महत्वाकांक्षा होता है, भगवान के दास बनकर सेवा करने की या भगवान कृष्ण से प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो वो जो है वो भक्ति का जो मधुर स्वाद है वो कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं को पाया जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं। दोनों ही कष्टप्रद है। इसलिए बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशान कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति चाहने वाली है अर्थात भौतिक भोग चाहने वाले हैं, जो मुक्ति चाहने वाले अर्थात निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, या जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं अष्ट सिद्धि जो है अनिमा लघिमा गरिमा आदि इशिता वशिता, तो ये सभी लोग अशांत है। कृष्ण भक्तों को क्योंकि कोई कामना नहीं होती है, वो कृष्ण के केवल सेवा करना चाहते हैं, तो वो दिव्य प्रेम का आस्वादन कर पाते हैं और इसलिए वो शांत रह पाते हैं, पीसफुल रह पाते हैं। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों ही कष्टप्रद है। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की गई है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से जो एकाकार या तदाकार होने की इच्छा है, ये इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता है। तो इसलिए भक्ति का स्वाद हमें मिले, इसलिए आचार्य लोग हमें मना करते हैं कि भौतिक इच्छा हृदय में मत रखिए और मुक्ति की इच्छा भी मत रखिए कि मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊँ, निराकार ब्रह्म की आराधना इत्यादि, तो या सिद्धि की भी कोई इच्छा ना रखिए। एक ही इच्छा रखिए कि कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए और कृष्ण के अविचल सेवा में अविचलित होकर और पूर्ण भाव के साथ लगे रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, ना प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, ना सुंदर पत्नी और ना ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूँ किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आपसे अविचल बनी रहे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु की, जो राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण स्वयं भक्त रूप में हमारे बीच में आते हैं, वो हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु कि त्वे। ना धन चाहिए, ना कोई जन मतलब फॉलोअर्स, हर कोई लीडर बनना चाहते हैं मैक्सिमम लोग, और चाहते हैं मुझे सब लोग फॉलो करें, मेरी बात को माने, मेरा प्रभाव हो समाज में, मेरा इन्फ्लुएंस हो। तो ये जो भावना है उसको भी त्याग दिया चैतन्य महाप्रभु, बोलते नहीं चाहिए मुझे ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, कि मुझे बहुत सुंदरी की आकांक्षा है जिसके साथ मैं भोग करूँ, ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। ना कोई कविता, सांसारिक कविताओं के प्रति उनको आकर्षण है, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण की सेवा चाहिए, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसे अभिचल बना रहे इसका प्रार्थना चाहिए। ना कोई भवबंधन से मुक्त होकर या कोई ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाओ, यही इच्छा रखते हैं। तो ये प्रार्थना बहुत सुंदर है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान को हम भूले नहीं और भगवान की सेवा में प्रवृत्त रहे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो शुद्ध भक्त का जो ध्यान है वो भगवान की लीलाओं, उनके नाम गुण रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वो मुक्ति की परवाह नहीं करता है, इतना आकृष्ट रहता है। क्योंकि भगवान के जब हम ध्यान करते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं या भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उससे निकला हुआ जो रस है, भक्ति रस, वो इतना मधुर होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है फिर मुक्ति की परवाह नहीं करता। इसलिए मोक्ष लघुता, शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है?
कि मुक्ति भी भक्ति से लघु है, ऐसा अनुभव उनको होने लगता है। और वैसे जो भक्ति करेगा वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे ही, तो भक्तों को अलग से उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगा है तो वो भगवान कृष्ण की कृपा का हाथ हर परिस्थिति में देख सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम थोड़ा बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में बात करेंगे। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है अपने पहले जो जीवन काल, पहले मतलब जब यंग एज में, तो वो बहुत ज़्यादा एक वेश्या के प्रति आकृष्ट थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन उनको उस वेश्या से मिलने का इतनी जल्दी थी कि वो पुजारी को बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी निपटाओ आप जो भी क्रिया कर्म है। और फिर उसके बाद वो उस वेश्या से मिलने गए, बहुत भरा हुआ नदी को पार करके ऐसे खराब मौसम में। तो उस वेश्या को लगा कि ये व्यक्ति मेरे प्रति इतना ज़्यादा आसक्त है, तो उनको बोला कि आप इतना जितना आसक्त मेरे प्रति हो, इतना आसक्त कृष्ण के प्रति हो जाओ तो आपको कृष्ण मिल जाएंगे, है ना। तो फिर बिल्वा मंगल ठाकुर को जैसे ज्ञान हुआ इस बात को, ये बात जैसे परमात्मा ही उनको उस वेश्या के अंदर से बोल रहे थे, तो सब छोड़ छाड़ कर जो है वो चल पड़े वृंदावन की ओर। और जब वो चल रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने निश्चय तो कर लिया कि अब मुझे भक्ति करना है, भगवान की खोज करना है, लेकिन उनका जो आँखें हैं, आँखों का इंद्रिय तृप्ति, नाक का, कान का, जीभा का, तो ये जो है आँखों ने एक सुंदरी स्त्री को देखा और उनके पीछे पीछे वो चलने लगे। और वो सुंदरी स्त्री एक घर में प्रवेश किया, वो किसी की विवाहिता स्त्री थी, तो घर में प्रवेश किया तो उसी घर में वो भी प्रवेश किया। फिर उनके पति ने, जैसे कोई भी साधु आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, बैठने का आसन देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि मुझे आपके स्त्री से जो है एकांत में बात करना है। तो जब वो स्त्री आई एकांत में बात करने, तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि आपके पास कोई पिन है, जैसे पिन होता है ना, तो पिन मांगा। तो उन्होंने अपना पिन दिया, एक जैसे हम क्लिप भी लगाते, पिन लगाते, हेयर पिन भी लगाते, तो उससे उन्होंने दोनों आँखें फोड़ दिया बिल्वा मंगल ठाकुर ने, कि ये जो आँखें हैं ये आँखें सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित होकर मुझे वहाँ खींच के ले जाता है, तो आँखें ही नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद वो तीव्र भक्ति करने लगते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया संतुष्ट करते, कृष्ण जो है उनसे मिलने भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बिल्वा मंगल ठाकुर का जो जीवन है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति जो यंग एज में, मान लीजिए वो किसी के प्रति आकर्षित भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आकर्षण को पूर्णतया दृढ़ता के साथ भगवान की ओर मोड़ दिया था। वो करीब 700 ईयर्स इस कलयुग में भी जीवित थे, तो उन्होंने बताया है ये बात, तो कितना अनुभवी व्यक्ति है। उन्होंने बोला है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो इससे हमें भगवान का आभास हर जगह होने लगता है। और दूसरी बात है कि मुक्ति जो है, जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो मुक्ति उनके दरवाजे में हाथ जोड़कर जब प्रतीक्षा करती है, अर्थात भक्तों की तो मुक्ति हो ही जाती है, उनके लिए उनको अलग से कोई कामना करने की या मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अतः वह शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते, इसलिए बोला गया है शुद्ध भक्ति का लक्षण है मोक्ष लघुता, कि मोक्ष भी लघु है, भक्ति उच्च है, ये उनका आभास हो जाता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 3.25.36 श्लोक में कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वो इस प्रकार है, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण की सुंदरता को देखकर कोई भी मोहित हो जाएंगे, भगवान इतने सुंदर है, उनका कोई एक अंग पर नजर पड़ जाए,
मान लीजिए चरण में जो नाखून है उसी में नजर पड़ गया, तो वहां से नजर हटाना मुश्किल है, इतना अधिक आकर्षणीय है एक एक अंग। जब सबरी भी राम जी के चरण देखा था पहले, तो चरण धुल दिया अपने आंसुओं से, इतना दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी। और वो ऊपर मुख तो देख ही नहीं पा रही थी, चरण से नजर ही नहीं हटा पा रही थी, तो राम जी ने उनको उठाया, तब उन्होंने राम जी को देखा, इतना सुंदर रूप है कि मोहित हो जाते हैं सारे भक्त भगवान के प्रति। कपिल मुनि कहते हैं कि मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। तो भक्त ही भगवान की सुंदरता को देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, और जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के विग्रह में ही वो सुंदरता का अनुभव कर पाते हैं। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को देखकर पागल हो जाता है, तो ऐसे ही भक्त भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर पागल हो जाते हैं, और भगवान के रूप के सामने जब उस रूप को किसी का दर्शन हो जाता है और कोई भी चीज़ सुंदर नहीं लगता है, फीका लगता है। इसलिए जब भी भगवान विष्णु पधारते हैं कई भी जगह पे जहाँ देवता गण भी है, तो देवता गणों का भी अपना अपना ज्योति होता है, वो सब फीका लगने लगता है भगवान विष्णु के आते, जैसे हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हुए। तो यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। तो आप देखिए, भगवान के परम धाम में पार्षद बनने का मतलब ही है वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि भगवान के भक्त भगवान से उनके प्रेम की अपेक्षा और कुछ भी कामना नहीं करते, फिर भी कृष्ण उनको सब कुछ दे देते हैं। तो श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्त को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रमाण है, भगवान ने कहा कि मैं उसको अपने परम धाम में पार्षद बनाता हूँ, तो भगवान खुद गारंटी देते हैं कि उनको परम धाम प्राप्त होगा। तो वो जो है आश्वासन दिलाते कि भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है, और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से उत्प्रुत रहता है, वो कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। अर्थात जिसका मन कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हो चुका है, उसका मन कोई भौतिक स्त्री या पुरुष के सौंदर्य पर मोहित नहीं हो सकता, या भौतिक कोई भी कितना भी सुंदर कोई जगह हो उसके प्रति भी आकृष्ट नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण से सुंदर कुछ भी नहीं है, कृष्ण के चरण कमल इतने सुंदर है, और इसीलिए उनका हृदय जो है हमेशा आनंदित रहते हैं। इस दिव्य आनंद के जो सागर है उसमें वो हमेशा गोते लगाते हैं, और कभी भी मायावादियों की तरह कोई मुक्ति की कामना नहीं करते, जबकि उनकी मुक्ति ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत में ही 3.4.15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है, जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अभिचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। तो आपने देखा कि जितने भी भक्तगण हैं, शुद्धतम भक्तगण, तो वो सभी लोग यही एक चीज़ मांगते हैं कि मेरा आपके चरण कमलों के प्रति जो अभिचल श्रद्धा है, भक्ति है, वो बनी रहे, और ये उत्तम प्रार्थना है। इस प्रार्थना से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त किसी भी चीज़ से जो है उनका कोई नुकसान नहीं होता, उनको समस्त यज्ञ का, तीर्थ स्नान का, तपस्या का सब फल सिर्फ हरिनाम जप में ही मिल जाता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 3.25.34 एक अंश आता है,
जहाँ कपिल देव अपने माता को उपदेश देते हैं कि हे माता, वे भक्त जिनके हृदय में चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशिष्ट या वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते हैं। तो कपिल मुनि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो भगवान कृष्ण की प्रैक्टिकल सेवा में लगे रहते हैं और भगवान के लीला गुण रूप नाम आदि का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं और सामूहिक रूप से संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भक्तों के साथ मिलके जो है भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा आदि श्रवण करते हैं, वो कभी भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं करने चाहते। और सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की बात तो बहुत दूर है, यहाँ तक कि उन्हें कृष्ण भगवान के विष्णु के धाम में जो सालोक्य मुक्ति है, मतलब भगवान जैसा ही पद, भगवान जैसा ही धाम अथवा भगवान जैसा ऐश्वर्य साष्टी मुक्ति है या भगवान जैसा ही रूप सारूप्य, हमारे जगत में भी आप देखेंगे सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं ना, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहते हैं, तो सारूप्य भगवान जैसा रूप और इससे सुंदर रूप क्या हो सकता है, या सामीप्य अर्थात भगवान का पार्षद समीप रहकर सेवा करने का, तो उसे भी अस्वीकार कर देते हैं, वैकुंठ के विचार मुक्ति अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति में इतना संतुष्ट रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 4.9.10 में ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और वो कैसे कहा जाए कि वे भक्तों के जैसा सुख भोग रहे हैं। तो इसमें ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति मुक्ति की कामना करते हैं, जो व्यक्ति सिद्धि की कामना करते हैं, वो भगवान के दिव्य सेवा से जो आनंद मिलता है उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उस दिव्य सुख की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है, तो भक्तों के साथ सुख नहीं भोग कर सकते। देखिए हमारे जीवन में हमारे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सुख के लिए प्रयासरत है, कोई अगर साइंटिस्ट भी है, कोई अगर डॉक्टर भी है, कोई प्रोफेसर भी है, कोई इंजीनियर है, कोई चाहे CA है, तो सब लोग सुख के लिए, कोई समाज सेवक भी है तो भी सुख के लिए अपने, कोई हाउसवाइफ है तो अपने सुख के लिए है ना, तो हर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहते, कोई दुखी नहीं होना चाहते, तो हर एक व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा सुखी होना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा सुखी होना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा सुखी शास्त्रों के अनुसार एक शुद्ध भक्त ही हो सकता है जिसका मन 24 घंटा कृष्ण में स्थित हो, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुख की जो ये अनुभूति है इसे प्राप्त नहीं कर सकता भक्ति के बिना। तो यही भक्ति की पात्रता है। तो इस प्रकार जो है भक्ति रसामृत सिंधु का 3rd अध्याय का समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।